मैं डॉक्टर अरुण गर्ग हूँ। मैं डायरेक्टर न्यूरोसाइंसेज मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव में काम करता हूँ। रामसे हंट सिंड्रोम का जो टर्म आई, ये अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट थे जेम्स रामसे हंट, उन्होंने 1907 के अंदर एक पेशेंट देखा जिसको कि वायरस इन्फेक्शन के बाद फेस का एक तरफ का लकवा हुआ, और उसका उस डायग्नोसिस के बाद उनके नाम के पीछे इसका नाम दिया गया रामसे हंट सिंड्रोम। तो रामसे हंट सिंड्रोम क्या होता है? रामसे हंट सिंड्रोम इज रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पीज जॉस्टर वायरस, यानी कि बचपन में किसी को यदि हर्पीज जॉस्टर हुआ है, क्लिनिकल या सब क्लिनिकल, यदि किसी को बचपन के अंदर चिकन पॉक्स हुआ है तो वो डॉर्मेंट पड़ा रहता है शरीर के अंदर, और किसी एक अवस्था के अंदर, मे बी एनी एज, मे बी बिकॉज ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट और इवन विदाउट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, ये रीएक्टिवेट हो जाता है, और जिस जगह पे ये रीएक्टिवेट होगा वहाँ पे उसके अलोंग बहुत सारे दाने निकल जाते हैं जिनमें कि पानी भरा होता है और बहुत ही पेनफुल होते हैं। तो रामसे हंट सिंड्रोम में स्पेसिफिकली सेवंथ नर्व होती है जो कि हमारे को कान से बाहर निकल रही है और फेस की मसल्स को कंट्रोल कर रही है, उनकी पावर को कंट्रोल कर रही है। तो सेवंथ नर्व की जहाँ जहाँ ब्रांचेज होंगी उसके अलोंग बहुत सारे दाने निकल जाते हैं, और ये दाने बहुत पेनफुल होते हैं, कान के ऊपर भी ये दाने निकल जाते हैं। तो ये जो दाने निकलते हैं पेनफुल दाने, उसके साथ साथ सेवंथ नर्व यदि इसका इन्वॉल्वमेंट है तो उसके कारण से उस तरफ का लकवा हो जाएगा। अब फेस का यदि लकवा हो गया तो ये फेस यदि लकवा हो गया तो मुंह राइट साइड लकवा हुआ तो मुंह लेफ्ट की तरफ खसक गया, ये वाली आंख का बंद होना में दिक्कत आने लग जाएगी, आंख खुली रहेगी, आंख बंद नहीं होगी तो उसमें फिर हवा लगेगी तो आंख से पानी आने लगेगा, आंख लाल हो जाएगी, और यदि लंबे टाइम तक ऐसा रहेगा तो आंख के अंदर अल्सरेशन होकर आंख की रोशनी जाने का भी खतरा हो जाता है। जब ये कान से बाहर निकल रही है तो उसके साथ साथ एक एट्थ नर्व होती है, सेवंथ नर्व के साथ एट्थ नर्व होती है। एट्थ नर्व का काम होता है हियरिंग को कंट्रोल करना, और उसके साथ एक और उसका वेस्टिबुलर डिवीजन होता है जिसका काम होता है बैलेंस को कंट्रोल करना। तो सेवंथ एंड एट्थ नर्व कॉम्प्लेक्स के अराउंड अलोंग जब ये वायरस एक्टिवेट होता है तो एट्थ नर्व के कारण से उसकी डेफनेस हो सकती है उस तरफ की, और उसको चक्कर आने की सेंसेशन हो सकती है। तो ये सारा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स हुआ रामसे हंट सिंड्रोम। क्या इसकी कमियां हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट वाली बात करें तो यदि किसी को एक्यूट स्टेज के अंदर आपने डायग्नोसिस कर लिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपने एक्यूट स्टेज में डायग्नोसिस नहीं किया तो पेशेंट हो सकता है कि जिंदगी भर इसको लेके सफर करे। यदि टाइमली इसका डायग्नोसिस हो गया तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट जिसमें कि एसाइक्लोवीर या वेलसाइक्लोवीर का ट्रीटमेंट हम देते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए, साथ में हाईडोज स्टीरॉइड देते हैं जिसको कि हम हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर टेपर कर लेते हैं। पेन होता है तो हम न्यूरलजिक पेन के ट्रीटमेंट जैसे कि हम गाबापेंटिन दे देते हैं या कारबामजापिन दे देते हैं जिससे कि न्यूरलजिक पेन को कंट्रोल कर पाएं, और साथ में यदि इन्फेक्शन है, यदि वेसिकल्स हैं जिसमें पानी भरा हो तो एंटीबायोटिक का एक कोर्स हमारे देना होता है। एक्यूट स्टेज में जिनको ये ट्रीटमेंट मिल जाता है उनमें रिकवरी की पॉसिबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी इस वायरस के कारण से यदि डैमेज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया नसों के अंदर, तो सिग्निफिकेंट नसों में जब डैमेज हो जाएगा, कोई नर्व ऐसी नहीं बची कि जो रीजनरेट कर पाए, तो हो सकता है कि ये परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए। पेन को तो आप ठीक कर दोगे, लेकिन यदि मसल की वीकनेस परमानेंट होगी, नर्व के फाइबर्स का डैमेज परमानेंट हो गया, तो ये परमानेंटली आपका एक साइड ऑफ फेस विल बी पैरालाइज्ड। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोगों को ये जब एक नर्व डैमेज हो गई तो नर्व इरिटेट करके पेशेंट में सफर फ्रॉम क्रॉनिक पेन्स जिसको बोलते हैं पोस्ट हर्पिटिक न्यूरेलजिया, लॉन्ग टर्म पेन्स चलते रहते हैं और वो पेन बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं और पेशेंट के लिए सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी का कारण बन जाते हैं। उस तरह के पेन को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसमें हम लोग कभी कभी ये न्यूरोलॉजिक ट्रीटमेंट वाले पेन जो होते हैं, पेन के जो ट्रीटमेंट होते हैं स्पेसिफिकली कारबामजापिन या एसली कारबामजापिन या गाबापेंटिन या प्रिगाबेलिन की दवाइयाँ देके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी को रामसे हंट सिंड्रोम टाइम से डायग्नोस करेंगे, टाइम से ट्रीटमेंट करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट की पावर भी ठीक हो जाए, उसके पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजिया के पेन के चांसेस भी कम हो जाए। क्या इसका कोई ऐसा बचाव है, कोई प्रिवेंशन पॉसिबल है? तो नहीं, मैं कहूँगा कि कोई प्रिवेंशन नहीं हो सकता। कौन रिस्क पे है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इज अ वाइड एरिया। यदि किसी को कैंसर है, यदि किसी को इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स चल रही है, किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, किसी की एज ज़्यादा हो गई है, किसी के एनीमिया है, कोई जनरलाइज डिसेबिलिटीज है, तो जो जिनकी इम्यूनिटी कम है वो रिस्क पे है। क्या करना चाहिए? यदि पहला सिम्टम मोस्टली क्या होता है कि आंख से पानी आ रहा है, आंख पूरी बंद नहीं हो रही, ब्लिंकिंग कम हो गई, इमीजिएटली आप मिल लीजिए डॉक्टर से।
आपको स्माइल करने में आपको लगता है कि आप खाना खा रहे हैं, पानी साइड से बह रहा है, आप इमीजिएट डॉक्टर से मिल लीजिए। आपको हल्का सा कहीं पे कोई दाना दिख रहा है या कोई पेन होने लगा, देन इमीजिएटली कंसल्ट अ प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि यदि आप टाइमली ट्रीटमेंट कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। थैंक यू।